नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे पीछे ये स्टूडेंट्स को देख के हो सकता है शायद आप अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है अभी तक आप लगा चुके होंगे, क्योंकि ये जो काला कोट पहने हुए ना, काला कोट पहनने का इनका सीधे तात्पर्य निकल जाता है कि ये जो है LLB के छात्र हैं। LLB नहीं, BLLB हो सकता है, LLB हो सकता है, यानी कि लॉ के छात्र हैं। तो फिलहाल देखिए, जो है अभी हम विद्यापीठ में आए थे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जैसा कि पीछे आप बोर्ड भी देख सकते हैं, और ये है फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लॉ यहाँ पर जैसे ही आए, यहाँ पर कुछ हमारे चैनल से जुड़े हमारे देखिए मित्र भाई लोग मिले, जो देखते ही पहचान के भैया जो है आपके चैनल देखिए, एक और भाई मिल गया हमारे, तो ये मिलते ही कहे कि आपका जो है चैनल देखते थे, आपका चैनल पहचान गए, तो भाई आए। तो हम कहे कि भाई जब पूरे BHU को मैंने कवर किया है तो इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनका रूबरू लेते हैं कि इन्हें जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कैसा लग रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और जो भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं उनसे हम बात करते हैं। फिलहाल आप क्या नाम पड़ेगा आपका? जी भैया, मेरा नाम शिवम कुमार निराला पड़ेगा भैया। कहाँ से हैं आप तिवन जी? जी, लखीसराय से। जी, लखीसराय के रहने वाले हुए और यहाँ पे BLLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है भैया। कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? भैया पढ़ाई अच्छी चल रही है। सुबह हम लोग का क्लास मतलब 10 से और वही 5:30 तक हम लोग का होता है भैया। उसके बाद हम लोग का छुट्टी, लगभग हम लोग का 6 सब्जेक्ट है अभी, सारा चीज ठीक चल रहा है भैया। और जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या चैनल वगैरह देखते थे, क्या कुछ जो भी आप लोग हंसी मजाक में शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो देखिए चैनल जो है एकदम मस्ती मजाक वाला, ये नहीं कि एकदम सीरियस होकर इंटरव्यू देना है, ये पढ़ाई होता है, ये पढ़ना है, कुछ नहीं, हंसी मजाक जो करना कही। भैया चैनल तो आपका देखते थे, आप ही से मतलब देखे, मतलब टारगेट तो BHU था लेकिन काशी विद्यापीठ मिला। और एक भैया आपसे मतलब आपके माध्यम से सूरज सर से बोलना चाहेंगे भैया कि सूरज सर, अगर BHU में आपके स्टूडेंट हैं तो काशी विद्यापीठ में भी आपके स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पे भी आना चाहिए, आपको यहाँ पे भी टाइम देना चाहिए। हम लोग भी उतना ही सीखे हैं जितना आप सिखाए, जितना बताए, आप ही के माध्यम से आज यहाँ हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने लोग हैं जो सूरज सर से पढ़े हैं? सब लोग मतलब सूरज भैया आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो तो आप देखते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप देख सकते हैं यहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं वो आपसे पढ़ाई किए हैं, वो आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आइए। जी, और जितना सूरज सर ने हमारे लिए किया है CUET में, उतना कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं करता और ना कोई कर पाएगा। उनका मोटिवेशन, वो जो पोएम बोलने का तरीका, उनके गाने, उनका क्या था एक, उनके गाने बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा उनका, बहुत बढ़िया रहा, उनका प्रेजेंटेशन बढ़िया रहा, काफी अच्छा रहा। क्या कुछ और आप लोग कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी? हाँ, अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई यहाँ कैसी हो रही है? अच्छी होती है। मेन टारगेट क्या की थी आप लोग? मेन टारगेट मतलब विद्यापीठ टारगेट था कि कोई और यूनिवर्सिटी? BHU मेन टारगेट, फर्स्ट प्रेफरेंस BHU। हाँ, BHU था, लेकिन भाग्यवश, दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा भाग्यवश ही कहूँगा कि भाग्यवश जो है आपका एडमिशन जो है यहाँ पे विद्यापीठ में हुआ है ना। आगे क्या रणनीति है, क्या और आगे कुछ सोच रहे हैं आप लोग? हो सकता है रिवील ना करना चाहें, कुछ ऐसा भी है अंदर रखना चाह रहे हैं ये? हाँ, ये लोग रिवील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देखिए इनकी रणनीति कुछ और ही है। भले ये अभी विद्यापीठ में पढ़ाई कर रहे हैं, BLLB के छात्र हैं, लेकिन इनकी रणनीति कुछ और है, जो कि मैं जबरदस्ती पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि टीचर देखें तो कहीं ओहो कहीं और कुछ और आप लोग पढ़ाई के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो? तैयारी कैसे किए थे आप लोग? हम लोग मालवीय अकेडमी से ही तैयारी की। पढ़ते थे कैसे? पढ़ते थे ये चीज़? पढ़ने के लिए तो जब टाइम मिलता है तभी हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग को बता देते थे जब हम उनका वीडियो आता था, तब हम लोग बैठ जाते थे फोन लेकर के उनसे पढ़ने के लिए। जितने बार सूरज सर लाइव आते थे उतने ही पढ़ते थे, बाकी नहीं पढ़ते थे। जितने बार जानते थे कि आज लाइव आने वाले हैं, इतना से इतना ठीक है, उतना से उतना पढ़ना है। अच्छा, ये बताइए कितना, अगर कोई नया छात्र जो पढ़ना चाहता हो, जो तैयारी करना चाहता हो BLLB के लिए, उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप, कोई देना चाहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एंट्रेंस क्लियर कर लेगा, पॉलिटिकल साइंस। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए, आपका बेड़ा पार विद्यापीठ का। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका अच्छे से एनालिसिस करें और फिर उसके आधार पे अपने खुद से क्वेश्चंस और भी ढूंढे और पढ़े, तो मतलब क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, हाँ कर ले जाएगा। 80% क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, अगर जिसका 11th 12th में है तो वो और भी आसानी से कर लेगा, क्योंकि सारा वही सब क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। इंग्लिश मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता है, यानी कि मेनली बस आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ पॉलिटी जो है आप क्लियर कर लिए तो आप निकाल ले जाओगे, है ना? बस ये सलाह था, बाकी पढ़ाई के बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा ही बताएंगे आप लोग, बताइएगा। सारे प्रोफेसर्स आते, मतलब टाइम टू टाइम आते हैं और हम लोग को, मतलब सारे लेक्चर्स आते हैं।
ठीक है, पढ़ाते क्या वो बता दीजिए, बता दीजिए आप भी बता दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया, बाकायदा सोशियोलॉजी वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भैया, हकीकत है। इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाली मैडम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। विलियम शेक्सपियर का हम लोग पढ़े हैं, सोनेट चल रहा है भैया, बहुत अच्छा समझाई। अच्छा जॉन मिल्टन का भी चला है। हाँ कन्फ्यूज है अभी आप? नहीं कन्फ्यूज नहीं है भैया, मतलब कन्फर्म है, मतलब इस तरह से आप भैया हेजिटेशन हो रहा है आपको। चलिए ये तो बातें हो गई कि आपकी पढ़ाई की पूछ लिया, हमने तैयारी का भी पूछ लिया और सूरज सर को बुलाने का भी पूछ लिया, और कुछ मजा आ रहा है? कहाँ रहते हैं आप लोग? अब घर से रोज डेली आते जाते हैं हम लोग। अच्छा डेली अप डाउन? हाँ अप डाउन। और टाइमिंग क्या, खाने पीने की, लंच वगैरह कैसे, क्या सिस्टम है? लंच 1:30 से 2 बजे तक। सूरज सर को कब ला रहे हैं? अब सूरज सर देखिए वो आप ही लोग के कहने पर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे कहने से मैं तो एक माध्यम हूँ कि मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन जो बुलाने का जो मोटिव हो वो आप ही लोग बुला सकते हैं, तो एक बार आप ही लोग कहिए, सभी लोग मिलकर कहिए कि भाई विद्यापीठ में उनको बुलाइए। एक बार हमारी सूरज सर से यही रिक्वेस्ट है कि पूरी लॉर्ड फैकल्टी आपसे मिलना चाहती है, प्लीज सर यहाँ आए और हमें एक बार फिर से मोटिवेट करें, वापस से भी करें, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 बजे जगा लेते हैं, जीके का क्लास लेते हैं इस समय भी, तो अब एक बार आए हम लोगों से मिले, यही करना चाहते हैं, फिर से मोटिवेट करें। हम ज्वाइन करने वाला है 6 बजे सीयूटी के लिए, रोज उठ के उनका जीके पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज रोज। तो ये भैया देखिए आप हमारी वीडियो देख ही रहे होंगे, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि देखिए आप जो मीटअप रखे बीएचयू के छात्रों के लिए जो मीटअप रखे, आपको नहीं लगता है कि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? है भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग के साथ भैया वो तो कर ही रहे हैं, अभी तक नहीं आए, एक बार भी शायद नहीं आए। आप बीएचयू के छात्रों के लिए मीटअप 3-3 मीटअप करा सकते हैं, पर विद्यापीठ के छात्रों के लिए एक भी मीटअप नहीं हुआ है, ये सरासर भेदभाव है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अन्याय है, उनको आना चाहिए, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो एक बार विद्यापीठ में आए और अपने कुछ मतलब हम लोग को मोटिवेट करें, अपने मतलब जो भी उनके शब्द हों, अच्छे शब्द हों, उनसे हमें मोटिवेट कर, जिससे हमें आगे के लिए गाइडेंस मिले। और पढ़ाई को लेके कुछ कुछ शेयर करना? न्याय देने वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहे हैं सूरज सर, बिल्कुल ये सत्य बात है, न्याय देने वाले स्टूडेंट के साथ जो अन्याय कर रहे हैं। अब हमारे चैनल के बारे में भी कुछ बता दीजिए, कितना लोग देखे थे हमारा चैनल, देखे आप लोग? टेलीग्राम पे आपसे बात भी होती है, बड़ा जगह बढ़िया खोज लो टेलीग्राम, तो यानी आप देख सकते हैं हमारे चैनल से भी जुड़े हमारे यहाँ पर लोग हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और सभी लोग एक बार और निवेदन कर दीजिए कि भाई बड़े भाई जो भी हैं सूरज भैया वो यहाँ पर विद्यापीठ में। सूरज सर से विनम्र निवेदन है कि एक बार प्लीज 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 विद्यापीठ में आए हमसे मिलने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, थैंक यू। यहाँ छात्र बहुत डिमोटिवेट है, बड़े भाई जल्दी आपको आना पड़ेगा। सूरज सर पे हक बनता है भैया, हम लोग का भी है ना, बीएचयू वालों का हक है, तो हम लोग का भी है, है ना? बार यहाँ जरूर उनको बुलाया जाए, बच्चों के साथ मोटिवेट करें, बढ़िया सर। आप सूरज सर न करें, ये चीज बोलना पड़ेगा, इनका तरीका देख रहे हैं बोलने का। चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, बाकी ये BLLB के छात्र थे जिनसे हमने बात कर रहे थे, और जो भी चीजें आपको थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने ये भी आपको बता दिया कि जो BLLB की तैयारी करना चाहते हैं वो सिंपली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, पॉलिटी पढ़ ले, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर ले, आराम से निकाल ले जाएंगे। दूसरी बात जो यहाँ से छात्र थे पढ़ाई का कैसा माहौल है वो भी आप समझ लिए, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको आसानी से एकदम हंसते खेलते हुए चीज़ों को समझना है। बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो कैसा लग रहा है DU में? काफी बढ़िया माहौल है भैया, काफी ओपन एनवायरनमेंट है, पढ़ाई अच्छी है। वीडियो देखते थे मेरा? अरे भैया आपका वीडियो अंदर तक लगता था। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत जल्दी हम लोग DU में भी आने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मीटअप है वो प्लान हो चुका है कि इलाहाबाद भी जाएंगे और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आएंगे, तो आप लोग से भी जल्दी भेंट होगा। एकदम यार, रहने खाने का सब व्यवस्था मेरे यहाँ। बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ एक चीज और, हिंदी मीडियम वाले को भी कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के टीचर्स जो हैं मतलब समझाते हैं तो समझ में आता है, और मतलब उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदी माध्यम के हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे। मैं भी हिंदी माध्यम की छात्रा हूँ, और मैं
टीचर भी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जो कुछ भी नहीं समझ में आता है उसे पूछने पे बताते भी हैं। सबसे अच्छे तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले सर हैं, हम लोग की एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको, हमारे एग्जांपल लेकर बताएं। सब समोसा जिलेबी का सबका एग्जांपल देके समझाते हैं बहुत अच्छे से। मतलब यहाँ की भी पढ़ाई से ओवरऑल खुश हैं आप लोग ना? हाँ ठीक है। सौरभ यादव सर थे भैया मालवीय एकेडमी, जब ऑनलाइन क्लास कर रहे थे उनका जो मतलब पढ़ाने का तरीका था लीगल जो हम लोग का था बहुत अच्छा भैया, इतना बेहतर मतलब समझाए उनका, मतलब अभी भी मतलब काम कर रहा है अभी तक है, मतलब असर में है उनका। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे बीएचयू में क्या कि अधिकतर वहाँ जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो जो हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उन्हें दिक्कत होती है। यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम है, तो आप हिंदी मीडियम के माध्यम के छात्र हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी चैनल से जुड़े रहिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।